हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो कैसे आप सब, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, और पता है बरसों बाद ना आज मैं जा रही हूँ हस्बैंड जी के साथ हनुमान मंदिर, पटना के हनुमान मंदिर, जो कि मैं इसको कितना बोलती थी कि लेते चलिए, तो कब भी नहीं मुझे ले करके जाते थे। तो फाइनली आज बोली तो मैं सुबह जग करके यहाँ पे देखिए तैयार हो गई, और मैं बोली कि पहले मुझे ना मंदिर घुमा दीजिए, फिर आप जा करके ना ऑफिस जाइएगा। तो ये फाइनली हाँ भर दी, और मैं यहाँ पे देखिए तैयार होकर जा रही हूँ मंदिर। और मेरा बाल देखिए सच में कटा करके ना बहुत बेकार लग रहा है, इतना छोटा हो गया है ना, क्या ही बताएंगे। और यहाँ पे जस्ट हस्बैंड जी के पास पैसे नहीं थे, तो थोड़ा सा पैसे निकाले क्योंकि मुझे थोड़ा शॉपिंग भी कराना है ना, बरसों बाद तो निकले हैं। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे मुझे ना मैं एसी का हवा खाने आ गई थी। ये बोले मुझे बाहर ही रहो, मैं बोली नहीं मुझे बहुत गर्मी लगती है, मुझे एसी का हवा खाना है। फिर मैं चले गई थी एसी का हवा खाने, फिर वहाँ पे देखिए अरे भाई यहाँ इंसान तो इंसान, कुत्ता भी को भी एसी का हवा चाहिए, इतना ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ हस्बैंड जी का पैसा निकल नहीं रहा था, परेशान थे। और कुत्ता को देख के ना मुझे बार बार हंसी आ रही थी कि इतना बड़ा दुनिया में इसको कहीं बैठने को नहीं मिला, और एसी का हवा लेने के लिए यहाँ पे चला। तो फाइनली हम लोग पैसा निकाल करके बाहर निकले, और मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी पहली बार ये मुझे मंदिर ले जा रहा है, क्योंकि हम लोग ना शादी के बाद साथ होकर के ना एक दो बार ही मंदिर गए हैं, वो भी बाबू के साथ, अकेला फ्री होके कभी नहीं गए थे। यहाँ पे देखिए रोड पे आ गए, और गर्मी का होता है ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या बताएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, फिर मैं इनको ढूंढने लगी थी कहाँ पे है, लेकिन मुझे क्या पता ये देखिए कहाँ पे है, वो वाइट शर्ट में देखिए वहाँ पे गए थे पैसा का खुला करवाने के लिए, क्योंकि ये ऑटो वाला खुला पैसा ही लेता है ना। और फाइनली हम पहुँच गए मंदिर, और मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, पता है क्यों, क्योंकि मंडे था, और मंडे को तो आप जानते ही हनुमान जी का पूजा होता है जोरों शोरों से। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग ब्लॉग भी बना रहे थे, बोल बोल करके सेल्फी भी ले रहे थे, पर हम लोग ज़्यादा नहीं लिए सेल्फी, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो पता नहीं वीडियो बनाने का और ना मन करता है, और मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब था। तो हम पूजा वूजा किए, उसके बाद बाहर यहाँ पे देखिए बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर हम यहाँ पे घूम रहे थे, और हम देखिए यार मैं कितनी ज़्यादा पतली दुबली हो गई हूँ सच में, तब और नहीं मुझे वीडियो बनाने का मन करता है, पता है क्यों, क्योंकि मुझे खुद का शक्ल ना खुद ही देखने में अच्छा नहीं लगता, इतनी बड़ी मजबूरी है। और यहाँ से देखिए हम लोग बाहर का नज़ारा शूट करने लगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पूरा मंदिर वंदिर घूमे, थोड़ा बहुत टाइम पास किए मंदिर में, और हस्बैंड जी को ऑफिस भी जाना था तो इसीलिए हम लोग थोड़ा बहुत ही घूमे, और बोले चलिए। तो यहाँ पे धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद हम और हस्बैंड चले आए IGMS, यहाँ पे मुझे ना कुछ दवाई लेना था, तो हम बोले कि चलिए जब आए हैं इधर तो दवाई लेके ही जाते हैं। तो यहाँ पे कहूँ ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो हम लोग दवाई लिए, हस्बैंड जी को भी दवाई लेना था, हम भी लिए, उसके बाद फिर रूम पर आ गए। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब, गुड इवनिंग। और आज देखिए आज है 18 अगस्त, तो मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और एक गुड न्यूज़ आप लोगों को देना था। तो ये देख सकते हो मेरा रूम, एक दीदी मुझे कमेंट कर रही थी आप पूरा रूम साफ़ सुथरा में रहते हो, तो वो मुझे ना पता है गंदा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं हमेशा अपने रूम को ना झाड़ते रहती हूँ, या मेरे पास कितना भी काम हो पर अपना रूम को ठीक करना नहीं भूलते हैं। और जैसा कि आप वीडियो में देखे पहले कि हम गए थे पटना का हनुमान मंदिर, वहाँ पर वहाँ से आने के बाद मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, तो मैं वीडियो बनाए भी नहीं, बहुत ज़्यादा क्या बताएंगे। और उस दिन जो वीडियो शूट हुआ था वो पता है 5 दिन 6 दिन बाद डाल रहा है, 15 अगस्त से पहले ही गए थे, तब सोचे चलो ऐड कर देते हैं। और ये देखिए मेरा भाई आया हुआ है, कल रक्षाबंधन है, तो उनको राखी इस बार हम अपने रूम पर नहीं बांधेंगे, अभी वो है नहीं, अभी चले गए हम मार्केट घूमने के लिए। तो रक्षाबंधन का जो कल ब्लॉग है हम कोशिश करेंगे अच्छा बनाने का, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा। और वो क्यों आया है हमारे पास, क्योंकि आप जानते हैं कि हम 4 बहन हैं, और वो चारों बहन सबको छोड़ करके हमारे पास राखी बंधवाने आए, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस बार आया है। तो ये हम ना आपको कभी ब्लॉग में बता देंगे, बट आज नहीं बताएंगे, कल वाला ब्लॉग में भी नहीं बताएंगे, पर आप लोग वेट कीजिए, बता देंगे क्यों आया हुआ है। तो देखिए हम फाइनली राखी खरीद लिए हैं, और इतना ज़्यादा राखी खरीदे ना जो आपको क्या बताएँगे, उनकी दिखाते हैं, बहुत राखी खरीदे हैं जी। ओ माय गॉड, देखिए कितना राखी खरीदे हैं, मतलब सारी बहन के हिस्सा ना हम ही राखी बांधेंगे, इनका भी पूरा कलाई राखी से भर जाएगा। और दिखाते और राखी है, बट इसमें रखा हुआ है पता नहीं, देखिए और राखी हम ना कल खरीद के लाएंगे, अभी ये सब राखी है मेरी दीदी भेजी है, बोली है कि तुम भी ना बांध देना, मतलब हम लोग का हिस्सा भी, तो 4 बहन है तो सबके हिस्सा अलग अलग राखी बांध देंगे। तो कल जैसे राखी का मुहूर्त है ना,
कल 1 या 1.5 बजे से ही बांधेंगे, तो हम भी वैसा ही करेंगे, 1.5 बजे के बाद से बांधेंगे। बाकी आप लोग कब राखी बांधिएगा, कौन से टाइम में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम कुछ भाई के साथ ब्लॉग बनाएंगे, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा। बाकी मैं इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाती हूँ। बाकी जो है क्या बताएँगे, जो लोग बहुत अच्छे बने फिरते थे आज, वो भी सबके लिए बुरा बन गए। पता है क्यों? क्योंकि जो लोग अच्छा होता है ना, वो हमेशा अच्छा बन के ही रहता है। आज वो मुझे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हम एक कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे ही हैं। जब हम मेहनत करके कमा के तब भी खाए और आज भी खा रहा है, लेकिन उनका व्यूज इतना डाउन हो गया है, इतना डाउन हो गया कि कितना भी वो नौटंकी कर ले, कितना भी नौटंकी कर ले, क्योंकि वो ऊपर उठ ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं उठ सकता है, पता है क्यों? क्योंकि पता है बुरा लोग के साथ हमेशा बुरा ही होता है, चाहे आज हो या कल हो। भले आपके पास गाड़ी बंगला घर मकान सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर सुकून नहीं होगा, इतना हमको पता है। उनके अंदर भी सुकून नहीं है, क्योंकि कोई एक ही थोपड़ा को कितना देखेगा। और झूठ बनाओगे तो भी अब आप जाओगे, और मतलब राइट बनाओगे तब भी जाओगे, मतलब अच्छा बनाओगे तब भी जाओगे, और बुरा करोगे तब भी जाओगे। तो यही होता है। बाकी हम एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो डालते हैं, जो लोग को सपोर्ट करना है सपोर्ट कीजिए, और आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाइए। हम मैं अगर आगे बढ़ूँगी ना, तो मैं हर एक लोगों की सपोर्ट करूँगी। और बाकी अगर जो लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल।